हेलो। ऐसा नहीं है, मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया है, यूट्यूब चालू है, लेकिन थोड़ा सा बस मैंने गैप लिया था, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगा, उस गैप को पूरा भी करूंगा। मैं एक नए सफर के साथ नया आगाज करूंगा। थोड़ा सा मैं बिजी था, एक दो महीने मेरा शूट वगैरह चालू था, वेडिंग का, इधर उधर कहीं आउट ऑफ सिटी, कहीं पर यहाँ पर, तो प्री वेडिंग था, वेडिंग था, आउट ऑफ सिटी भी था मैं, लेकिन जल्दी वापस आ जाऊंगा यूट्यूब की दुनिया में फिर से, और नए ब्लॉग के साथ और नए सिटी के साथ। यस, क्योंकि शोलापुर को मैं थोड़े दिन के बाद अलविदा कहूंगा, फिर नई सिटी के लिए रवाना हो जाऊंगा, नई सिटी दिखाऊंगा आपको, नया एक्सप्लोर कराऊंगा। तो बस यार बने रहो मेरे साथ। तो मुझे आपसे कुछ कहना था, कहना ये है कि जो मेरी फैमिली है अभी, जो 1000 सब्सक्राइबर है, तो इंशाल्लाह और थोड़ा मैं कोशिश करूंगा अच्छे वीडियो बनाऊँ, और थोड़ा फैमिली मतलब ज़्यादा हो और बड़ी हो, ये चाहूँगा, आपका प्यार है जो। और ये नए सफ़र के बारे में कुछ आपसे कहूँगा मैं, जो ये नया सफ़र शुरू होगा मेरा, स्टार्ट होगा शायद इंशाल्लाह जल्दी होगा, एक दो महीने के अंदर, वो नए सफ़र में मैं आपको साथ रखूँगा, और कहाँ कहाँ जाऊँगा मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ भी जाऊँगा अच्छी सिटी जाऊँगा और दिखाऊँगा, घुमाऊँगा फिराऊँगा। फाइनली आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, खुश हूँ, मेहनत किया है बहुत, लेकिन थोड़े बहुत वीडियो ऐसे भी बने थे जहाँ पर आपको बोर मारा, पर भी आपने उसको भी बर्दाश्त किया। कोशिश करूँगा आगे से कि वो वीडियो मेरे ज़्यादा बोर ना हो, कुछ उसमें अलग करने की कोशिश भी करूँगा ज़रूर। मतलब हम कहीं पर उदास बैठे हैं, तो उदास बैठने के बाद किसी की याद आती है, यार हम फ़ोन लगाते हैं, उससे बात करते हैं, कि फिर जब हम कहीं पर फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं, कहीं पर होते हैं ट्रिप पर वगैरह, तब उसी उस बंदे की वो जो याद है ना, वो याद आती ही नहीं हमें। लेकिन जब उस टाइम पर ये याद आएगी ना ऐसे ट्रिप में भी, तो समझ लेना यार हाँ वो बंदा कुछ खास हो। तो ऐसे ही याद आती है, नहीं बोलकर नहीं, हर किसी की याद आती है, चाहे मैं अकेले में रहूँ या सब, चाहे सबके साथ रहूँ, याद आती है। मतलब आप मेरे लिए कोई ऐसे यार ये मेरा ये सब्सक्राइबर है, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ आपको, मतलब आप मेरे एक फैमिली मेम्बर हो, मेरे YouTube के आप एक फैमिली मेम्बर हो, आप मेरे वीडियो देखते हो, इतना मुझे प्यार देते हो, आप मेरे लिए बहुत कुछ हो और मैं आपके लिए बहुत कुछ हूँ, मुझे ऐसे लगता है। आपके प्यार की वजह से तो आज इतने सब्सक्राइबर मेरे हुए हैं, और कभी कभी बीच में बोर भी मारते मेरी वीडियो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा तुमसे, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आइंदा से मेरी वीडियो आपको बोर ना लगे। मतलब आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तो YouTube आपके लिए नहीं है। मतलब आपने YouTube चैनल खोला और आप वहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहे हो और वहाँ पर देख भी रहे हो, थोड़े बहुत लाइक आ रहे हैं, थोड़े बहुत व्यूज़ जा रहे हैं। YouTube का ना ग्रोथ करने के लिए टाइम लगेगा, जैसा मेरा भी है यार। मतलब मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं हो रहे, कभी कभी दिन में एक होता है, कभी दिन में एक दो होते हैं, कभी 10 भी हो जाते हैं, कभी कभी दो दो दिन में एक भी सब्सक्राइबर नहीं होता है, पर भी मैं सब्र करता हूँ, और यूज़ भी ना कम से कम कितने 700 गए, 500 गए, ऐसे यूज़ जाते हैं मेरे। लेकिन सब्र होना चाहिए, जब तक आपने सब्र नहीं है तो YouTube आपके लिए नहीं है। आप सब्र करते जाओ, इंशाल्लाह एक दिन ऐसे होगा कि आपका वीडियो कोई ना कोई वायरल हो जाएगा और आप भी चलने लगोगे। बस मैं यही कहूँगा और कुछ भी नहीं। तो वीडियो बनाते रहो, अपलोड करते रहो, जितना आप उसके अंदर अच्छे करोगे, अच्छा वीडियो बनाओगे, मिक्सिंग करोगे, एडिटिंग करोगे, लोगों को उतना पसंद आएगा आपका वीडियो। फिर जब जाकर आपका चैनल भागेगा, वीडियो को मतलब लोगों को आपकी वीडियो अच्छी लगेगी, फिर भी लोग आपको फिर देखेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे मतलब यूट्यूबर है जिसको मैं जानता हूँ, वीडियो मतलब उनके पहले कुछ नहीं थी, जैसे अभी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जैसे वो मेहनत करते जा रहे हैं, वैसे उनके भी वीडियो अच्छे होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि अच्छे होते जाए। बस अभी तो थोड़ा सा बिजी हूँ, जो मेरा शेड्यूल है, जो वेडिंग का फोटोग्राफी जो चल रहा है, ये जल्दी से जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो मैं भी कहीं नई सिटी चला जाऊँगा, फिर नया एक्सप्लोर करूँगा, नई नई सिटी दिखाऊँगा, घूमूंगा वहाँ पर, नए लोगों से मिलूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। यस, तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आगे चल कर भी आप ये देखोगे बाद में से, तो भी मैं यही कहूँगा कि मेरे अभी सब्सक्राइबर कम है, इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे और वीडियो भी अच्छे बनाते जाऊँगा मैं। आपने वो डायलॉग सुना ही होगा, कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो तो उसको पूरी कायनात भी मिलाने की कोशिश करती है। वैसे ही ना आप मेहनत करते जाओ, एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। मेरा भी यही कहना है, मेहनत करो, उसका फल भी आपको मिलेगा ज़रूर। कोई चीज़ आपके पास है तो उस चीज़ की ना कदर करते जाओ। हमें ऐसा होता है ना, कोई हमारे पास चीज़ है, हम उसकी कदर नहीं करते, वो चीज़ जाने के बाद हमें पता चलता है यार वो चीज़ चाहिए थी मुझे, उसकी कदर करनी चाहिए थी, वो जाने के बाद हमें पता चलता है। जब तक आप वो चीज़ आपके पास है उसकी कदर आप करते जाओ, लाइफ में फिर आगे बढ़ोगे आप। सच में ऐसे बहुत सारी कुछ चीज़ें थी जहाँ पर पहले मेरे पास थी, बाद में चले जाने के बाद मुझे लगा यार मुझे वो चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। ऐसे बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं
जैसे मेरा कैमरा हो, बाइक हो और बाकी के बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो इसीलिए ना, जो भी चीज़ आपके पास है उसकी कदर करते जाओ, जाने के बाद बहुत पछताओगे फिर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मेरे नए सफ़र के साथ, मेरे नए जर्नी के साथ आप भी शामिल होंगे और आपका प्यार रहेगा और आपको लेकर चलूँगा मैं, ये कोशिश करूँगा और नई सिटी दिखाऊँगा, एक्सप्लोर कराऊँगा वहाँ पर जो जो है, सब कुछ है। तो यार बस और कुछ नहीं, आपका प्यार चाहिए।